सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स, आप हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ यूज टू मेजर मैस को यूज़ करने मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम, दैट इज ऑप्शन ए। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मेक अ मिनिस्टर्स ऑपोजिट टू द अदर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मर्करी। थर्ड एमसीक्यू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अ मास ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ 2 kg है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 2000 हो जाता है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सब उसके साथ मैच नहीं करते। 6 का है करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ 50 mm इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 50 mm है, ठीक है। तो मीनिंग के लिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, दैट इज 0.005, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, 25 cm³ इज इक्वल्स टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0.25 मिलीलीटर, ऑप्शन सी। इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 into 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1000 मीटर बन जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 9 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, पिपेट आर यूज फॉर द मेजर ऑफ द वॉल्यूम, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि थोड़ा वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम ही थोड़ा, ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 10 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8.2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी, मैचिंग करनी है भाई हमने। सो इसमें उसने हम लोगों को बेसिकली दिया हुआ है, उसने हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज दे दी हैं और वो पूछा हम किस तरह से मेजर करते हैं। मैस हम मेजर करते हैं बैलेंस से, लेंथ मेजर करते हैं मीटर रूल से, वॉल्यूम मेजर करते हैं हम फ्लास्क से, टाइम मेजर करते हैं हम डिजिटल वॉच से, एंड यूनिट मेजर करते हैं स्टैंडर्ड क्वान्टिटी होती है ये। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8.3, शॉर्ट आंसर्स। Question number 1, what is physical quantity? Measurable quantities are called physical quantities, for example time, length, etc. Topic number 8.1. Question number 2, define the term prefix. The words which are used before the unit are called prefixes, such as milli, kilo and centi. Page number 115 पे इसका explanation given है। What is meter rule? Topic 8.3.1, an instrument which is used to measure the length is called meter rule. It consists of 100 centimeter and each centimeter is consist of 10 millimeters. How many millimeters is there in 1 dm³? So 1 dm³ is equals to 1000 ml. 1 dm³ is equals to 1000 ml. How many seconds are there in one solar day? One solar day means के चांद जो है कितने टाइम में अपना पूरा सर्कल अर्थ के गिर्द कंप्लीट करता है, विच इज़ 24 hours। 24 घंटे में जो चांद है वो अपना पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अब इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60। तो इसका आंसर निकलता है 86,400। ये है हाउ मच सेकेंड इन वन सोलर डे। वन सोलर डे मीन्स 24 आवर्स एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट्स होता है और एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है। क्वेश्चन 8.4 व्हाट आर एसआई यूनिट्स एक्सप्लेन, टॉपिक नंबर 8.2 उसमें एसआई यूनिट सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स, कि क्यों हम लोगों ने एसआई यूनिट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि पहले जो थे हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज़ करते थे, बाद में लोगों ने स्पेसिफिक कर दिया कि इस चीज़ के लिए हम यही यूनिट यूज़ कर सकते हैं, तो टॉपिक नंबर 8.2 में इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथ ऑफ ए वुडन रोड इज 25.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ इन मिलीमीटर एंड मीटर। वो कह रहा है लेंथ है 25.5 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और मीटर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखें 25.5 है, पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, जब हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, अब उसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो मिली के लिए मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो इसके साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 255। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो 25.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.25 मीटर एंड दिस इज इन मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अ मास ऑफ एन आयरन प्लेट इज 1950 ग्राम, व्हाट इज इट्स मास इन किलोग्राम। ग्राम में दिया हुआ है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में है 1950 ग्राम, अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.95 किलोग्राम। कन्वर्ट इन मिनट्स, 3600 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, सो दैट हमारे पास आंसर 60 ही आएगा। सेकेंड है 2 आवर्स को हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 में कितने होंगे 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 2 आवर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स। सिंपल। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मयूरिंग सिलेंडर, टॉपिक नंबर 8.3.2, कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बाद उन्होंने मयूरिंग कैसे करते हैं वो सब बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो से लेक्चर वीडियो से भी कंसर्न कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरिंग्स क्लास एंड पेपर, ये भी मेरी वीडियो से आप कंसर्न कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।